चलिए सो अब हम लोग थोड़ा आगे गुली गप्पू किया जाए। सो अब हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन सा थ्योरी, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया थ्योरी ओरिजिन ऑफ ऑफ लाइफ, स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो क्रिएशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा थ्योरी, जो कि बहुत कॉमन सी बात है, एवरीबॉडी टेल्स दिस सेम स्टेटमेंट, ठीक है। सो उसको क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बाय स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ओके, सो दैट इज थ्योरी ऑफ, पहले उसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला जाता था बाय एबायोजेनेसिस, बट अब जो है ये टर्म चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे बायोजेनेटिक ऑरिजिन है, बट अभी फिर से प्रूव हो गया कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ एबायोजेनिक है, तो इसीलिए फिर ये जो स्टेटमेंट ये चेंज हो चुका है। एंड तो इसीलिए दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन ए स्पॉन्टेनियस मैनर, माने सडनली हमने देखा जैसे ही मैंने मिट्टी के नीचे हाथ मारा तो क्रोकोडाइल जन्म हो गया, एंड ऐसे। तो ये सब जो अकस्मात थ्योरीज है, तो दैट इज कॉल्ड क्या, स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। ओके, तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। इट वॉज बिलीव दैट ए हेयर फ्रॉम द टेल ऑफ ए व्हाइट हॉर्स व्हेन ड्रॉप्ड इनटू वाटर वुड चेंज इनटू हेयर वर्म, समझे कि नहीं? मतलब जैसे अगर है घोड़े का पूंछ का बाल गिर गया पानी में तो वो ड्रैकनक्यूलस बन जाएगा। ड्रैकनक्यूलस क्या है, जो लार्जेस्ट वर्म है वो। ओके, उसको गिनी वर्म कहते हैं, या आपका फियरी सरपेंट भी कहते हैं। नाइल नदी, एक्चुअली इजिप्शियंस क्या बिलीव करते हैं कि नाइल रिवर इज वेरी वेरी फर्टाइल। ओके, इट गेव राइज टू फ्रॉग्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, समझ रहे हो? तो फ्रॉग कहाँ से आया, नाइल रिवर के मिट्टी से जन्मा वो। ओके, स्नेक्स कहाँ से आया, वो मिट्टी से उग गया, जैसे प्लांट नहीं उगता है वैसे सांप उग गया, क्रोकोडाइल उग गया। ओके, कब, व्हेन वार्म्ड बाय द सन। अगर नील की मिट्टी को थोड़ा सा गर्म करोगे सूरज के ताप से, तो बेंगो सांपो और क्रोकोडाइल्स बनेगा। समझ में आया फॉर्मूला? एरिस्टॉटल बिलीव दैट इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम मॉर्निंग ड्यू एंड रॉटिंग मैन्योर, टेप वर्म्स फ्रॉम एक्सक्रीट ऑफ एनिमल्स, तो तुम्हारे टट्टी से टेप वर्म जन्म होता है, वो सही होता है बट एक्चुअली उसमें अंडे होते हैं। क्रैब्स एंड सैलमेंडर फ्रॉम वेट अर्थ एंड स्लाइम। ओके, तो चलो ये लोग तो बीसी वाले लोग थे, तो हम लोग को उनको उतना ज्यादा पता नहीं था, बट वैन हेलमॉन्ट वो तो अब के जमाने के हैं, उन्होंने भी एक थियोरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइस दे दिया। ओके, कैसे चूहा बनाओगे बोलो घर में, तो एक डर्टी शर्ट लो, कुछ दाने गेहूं के उसमें डालकर अंधेरे कबर्ड में फेंक दो, ठीक 3 हफ्ते बाद चूहा प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हो? देख लो कि नहीं मजा, तो दिस इज द फन। तो इसलिए वैन हेलमॉन्ट ही प्रपोज द थियोरी ऑफ माइस प्रोडक्शन। तो ये जो बकवास है इसी को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। तो इसलिए अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया, अब इसको हम कहते हैं थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस बाय स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। व्हाई? बिकॉज ये नॉन लिविंग ऑरिजिन है, मतलब यहाँ लाइफ कहाँ से आया, इन एनिमेट मैटर से, बट नॉट फ्रॉम जीरो सडनली। एक कथरे बड़े क्रोकोडाइल जन्म हैला मट्टी, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हमने, जैसे गौतिक रुष्टो है पुरी में, जब उसने पानी दिया और खोरा में सुखाया जमीन को, तो वेल जन्म हो गया, है कि नहीं? उसी तरह नाइल में किसी के घर में बेंगो जन्म हुआ, किसी के घर में सांपो जन्म हुआ, किसी के घर में क्रोकोडाइल्स जन्म हुआ, राइट? तो दीज आर
ये लोग उतना ज्ञानी नहीं थे तो इसलिए इस तरह के उन लोगों ने बातें की. ओके बट दिस वॉज हॉट स्टोरी. उसी तरह से एक दिन क्या हुआ, जो हमारा ओलिया ब्रुदो है, तो वो पहले जमाने में क्या था, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं. अब वो स्कूल जा रहा था, वो भुवनेश्वर आ रहा था तो स्कूल क्लास करने के लिए. तो जैसे आ रहा था, उसका मम्मी ने उसके लिए एक पोटली बांधा, उसमें पराठा भाजी दिया. तो वो आपके ओलिया ब्रुदो स्कूल जा रहे थे, उसके मम्मी ने उसको टिफिन में पोटली में पराठा आलू भाजा बांधा था. उसने पोटली कंधे में लेकर डंडा में झूला झूला के चल दिया. चलते चलते धूप होने लगा. धूप के ताप से ओलिया को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगने लगा. उसने एक बड़ा घना पेड़ देखा. पेड़ तालाब किनारे था. पेड़ के नीचे लोगों ने चबूतरा बनाया था. तब ओलिया ने सोचा कि क्यों ना हम इसमें थोड़ा रेस्ट करें, खा पी ले, फिर सो ले, फिर आगे की जर्नी करें. तो जैसे ही ओलिया उधर गया, अपना पोटली रखा चबूतरे पे, नीचे तालाब में मुंह हाथ धोकर आया और पेट में, भूखे पेट में जैसे आलू पराठा और भाजी घुसा, तो उसके मन में एक लड्डू फूटा. उसने देखा कि उस पेड़ के फूल नीचे गिर रहे थे पानी में टप टप टप. एंड वहां हंस एंड उसका फैमिली खेल रहा था. तो सडनली ओलिया के खुशी में फूले नहीं समाया एंड वो यूरेका यूरेका बोल के चिल्लाया कि आई हैव फाउंड द स्वान ट्री. तो उसने इमिडिएटली लिख दिया कि उसने स्वान ट्री का खोज किया. तो व्हाट इज स्वान ट्री बोलिए? एक ऐसा ट्री जो हंस को जन्म पानी पे गिरने से. यस, जैसे ही वो फूल पानी में गिरा, वो जर्मिनेट किया एंड उसमें से क्या निकला, हंस. समझ रहे हो कितना? तो ये है कौन सा स्टोरी, ये है स्टोरी ओलिया का. चलिए, तो इस तरह से बहुत सारे गप हैं, आप पढ़ सकते हो. बट दो आदमी इस गप से बहुत गुस्सा है. कौन कौन से आदमी थे? तो सबसे पहले इंसान थे फ्रांसिस्को रेडी. ठीक है, तो फ्रांसिस्को रेडी को बड़ा गुस्सा आया. तो समझ में आया? तो एविडेंसेस अगेंस्ट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन, और इसको हम लोग बायोजेनेटिक थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ बोलते हैं. तो रेडीज एक्सपेरिमेंट, तो फ्रांसिस्को रेडी एन इटालियन फिजिशियन took flesh and cooked it so that no microbes are left alive. ठीक है, उन्होंने लेकर उसको उबाला and then okay the he placed this flesh in three jars, in three different jars, of which one was uncovered, the second was covered with parchment paper, and the third one was covered with fine muslin. ठीक है, तो एक को खुला रखा, दो को ढका अलग अलग कपड़ों से. तो आपका जो मसलिन है वो परमिएबल है एंड जो पार्चमेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. ओके, ही केप्ट दिस जार्स फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व दैट maggots developed only in the open jars. Okay, they did not develop in the covered jars. Okay, this led him
टू प्रपोज दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ही सेड दैट फ्लाइज केम एंड सेटल्ड ऑन द फ्लैश ओके इन द ओपन. ओके दिस लेड हिम टू प्रपोज. ओके हिम कर देते हैं. सो ही सेड दैट फ्लाइज केम एंड सेटल्ड ऑन द फ्लैश इन द कहा बोलिए इन द अनकवर्ड जार. ओके अनकवर्ड जार दे लेड एग्स एंड दीज एग्स गेव राइस. ओके गेव राइस या ऐसा नहीं लिखना चाहिए तो मैं भी बेवकूफ सुने जरा. एंड द मैगट्स ओके केम आउट फ्रॉम दीज एग्स. ओके इन द कवर्ड जार्स फ्लाइज डिड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ द ये क्लोज जार है. सो इन द कवर्ड जार्स फ्लाइज डिड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ द क्या विथ द फ्लैश एंड सो दे क्या कुड नॉट. ओके कुड नॉट ले एग्स. ओके सो नो मैगट्स. ओके नो मैगट्स वर फाउंड इन दीज जार्स. समझ में आया. तो ये आपका फ्रांसिस्को रेडी का स्टेटमेंट था. ओके तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उनको ये साबित उनको ऐसा लगा. बट इट इज हिज थॉट. इट इज सॉरी इट इज नॉट द थॉट ऑफ एवरीबडी. दिस वाज रेडीज ऑब्जर्वेशन. उसी तरह से एक सिमिलर ऑब्जर्वेशन दिया था किसने स्पेलेंजेनी. ओके तो एब स्पेलेंजेनी ही वाज ए पर्सन तो जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को मैंने सिमिलर एक एक्सपेरिमेंट को उन्होंने भी किया. सो स्पेलेंजेनी एन इटालियन प्रीस्ट एंड साइंटिस्ट डिस्प्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइक्रोब्स. ओके ही शोड दैट एनिमल एंड वेजिटेबल ब्रॉथ बॉइल्ड फॉर सेवरल आवर्स एंड इमीडिएटली सील्ड नेवर इन्फेस्टेड विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है तो अगर आप गर्म करके खाना को सील बंद कर देंगे तो क्या होगा तो आपका मैंने उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा. क्लियर. सो डू अंडरस्टैंड. सो इससे उन्होंने क्या साबित किया. ओके फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट व्हाट बताइए क्या कंक्लूड किया है. लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट हाई टेम्परेचर हैड किल्ड ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स इन द ब्रॉथ एंड विदाउट देम लाइफ कुड नॉट अपीयर. ओके द ब्रॉथ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर वर सून इन्वेडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके सो ये उनका ऑब्जर्वेशन था. ओके बट स्पेलेंजेनी ये इनका नाम है एब स्पेलेंजेनी ए बी बी ई है ना. तो आप उस सम तो दे वर लाइक नॉर्मल पीपल. अब जैसे कोई चीज साइलेंस महानता बोल देगा तो क्या हम मान लेंगे ना क्या. तो इसलिए लोगों ने देखा. बट उस समय के हीरो कौन थे. लुइस पाश्चर
समझे कि नहीं द हीरो ऑफ द हाँ बोलिए सर ये फैलस ने आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन किए थे ना एनिमल्स में क्या सर ये फैलस ने जो है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किए थे ना कर सकते हैं उसमें क्या दिक्कत है a lot of people have done चलिए तो कौन क्या किया वो आप देख सकते हैं नाउ जो सी एक्सपेरिमेंट है उसको हम पाश्चर एक्सपेरिमेंट बोलेंगे तो लुईस पाश्चर उस समय भगवान बन गए थे क्यों बन गए थे क्योंकि उन्होंने एक टेक्निक डिस्कवर किया था उसको पाश्चराइजेशन कंसेप्ट कहते हैं है कि नहीं तो इसीलिए अब उनका बात एक पत्थर की लकीर जैसे था तो लुईस पाश्चर ए फ्रेंच साइंटिस्ट टुक ब्रॉथ्स इन लॉन्ग नेक फ्लास्क ओके उन्होंने लिया He then bent the neck, okay, of the flask by heating it. Okay, तो उन्होंने फ्लास्क को गर्म करके उसका गर्दन मोड़ के हंस जैसा बना दिया इसलिए उसको स्वान नेकिंग कहते हैं okay, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्वान नेक इसलिए उनको एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट ओके सो ही बॉइल्ड द ब्रॉथ्स इन द फ्लास्क एंड किल्ड माइक्रोब्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन देम द कर्व्ड नेक एक्टेड एज ए फिल्टर इफ द फ्लास्क विद स्वान नेक इज केप्ट फॉर मंथ्स टुगेदर नो लाइफ फॉर्म अपीयर्ड As the germ-laden dust particle in the air were trapped in the neck, which serves as a filter. Okay? If the swan neck was broken, the broth developed colonies of bacteria and mold. Okay? Thus, he showed that the source of microbes for fermentation and putrefaction, such as for milk, sugar, and wine, etc., was the air and the organisms did not arise from the nutrient medium. ठीक है? The air had microbes or their spores which fell in the broth and gave rise to care and gave rise to life samajh mein aaya to jo broth apne aap germ nahi banaya to ye unka experiment hai kya kiya tha unhone usko thoda sa diagram se dekh le fine so let us make a diagram to see it to unhone kya kiya ek lamba sa flask liya ओके एक लंबा सा फ्लास्क लिया उसका बॉटम राउंड था ठीक है अब उसको उन्होंने हीट किया एंड ये जो गर्दन है इसको उन्होंने क्या कर दिया बेंट कर दिया ऐसे कर दिया जैसे वो हंस का गला हो ठीक है अब उन्होंने क्या किया ट्राइपॉड लगाया ओके आग लगाया एंड उसके अंदर उन्होंने ब्रॉथ को कुक किया तो ही कुक ब्रॉथ ओके ब्रॉथ को उन्होंने कुक किया तो जब उन्होंने ब्रॉथ को कुक किया तो क्या हुआ व्हेन ही कुक्ड ब्रॉथ तो अब तो ये जो ब्रॉथ है वो स्टेराइल हो गया बट जो धुआं उड़ा ये धुआं उड़ के क्या इसको उन्होंने कॉटन प्लगिंग कर दिया था बट कुछ पानी इस स्वान नेक में रह गया फाइन तो सम वाटर वाज फाउंड इन द स्वान नेक अंडरस्टूड तो अब जो नेचर में क्या हुआ इन नेचर व्हाट हैपेंड तो ये जो स्वान नेक है
तो इस स्वान नेक में आपका क्या था? तो ये जो स्वान नेक जो है इसमें आपका थोड़ा सा वाटर ट्रैप हुआ एंड दिस वाज एक्सेसिबल टू आउटसाइड, तो इसीलिए कुछ ना कुछ जर्म्स आके यहाँ डेवलप किए, है कि नहीं? तो सर्म और द अदर जर्म्स डेवलप्ड हियर बट दे कुड नॉट गो टू द मेन पूल, तो जो मेन पूल है उधर वो जा नहीं पाए, समझे कि नहीं? सो दे कुड नॉट गो टू द मेन पूल, तो इसलिए वो क्या हुआ, वो अनएफेक्टेड रहा, समझे कि नहीं? तो जो मेन पूल है वो कभी जा नहीं पाए। बट लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उन्होंने क्या क्या, देखो कि जब मैं इस स्वान नेक को तोड़ देता हूं तो उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। तो जब उन्होंने स्वान नेक को तोड़ दिया तो क्या हुआ, गर्दन सीधा हो गया एंड अब इसके अंदर जो लाइफ था, तो ये जो इसके अंदर लाइफ था अब वो क्या हो गया, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आया किसके, जर्म्स के। तो जो नेचर में जर्म्स है वो आके ब्रॉथ में गिरे एंड फिर वहां भी माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ। ओके, तो यहां माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, इधर नो ग्रोथ, फाइन। सो इधर इसको हम लोग बोलते हैं हीट टू मेक स्वान नेक। तो इसमें क्या हुआ, ब्रॉथ बॉइल, फाइन, सब समझ में आया? तो इसीलिए विच थिंग एक्टेड एज ए बैरियर फॉर जर्म्स टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रॉथ, द स्वान नेक। तो जैसे ही स्वान नेक उन्होंने तोड़ा तो माइक्रोब्स ग्रोथ हुआ। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपेरिमेंट डन बाय हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग मसाला कस के झोलो बनाते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं मालूम है, जैसे तुम्हारा जो डैडी है तो वो गल्फ में रहते हैं, तो गल्फ में भी बहुत लोग दो प्रकार का कुकिंग है, एक तो इंडिया जैसा पूरा मसाला कस कसा के, दूसरा में वो क्या करते हैं, मटन लेंगे उसको उबाल देंगे उस जो पानी में, लहसुन प्याज आलू कोखारू बैगन सब डाल देंगे, फिर सौत डाल देंगे, तो इसको ब्रॉथ बोला जाता है। ओके, तो लाइक दैट। तो बट हमारा तो मसाला कसा हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग उसको झोलो बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे बोलो, उस मीट को जब कुक हो जाएगा उसको बाहर निकाल लेंगे, उसमें से लहसुन वहसुन को निकाल के उसको पीस देंगे, फिर उस झोलो में डाल देंगे, उसको हीट करके थिक बनाएंगे, फिर आपका जो काट काट के मटन देंगे उसके ऊपर झोलो का एक स्पून डाल देंगे। तो ये उनका स्टाइल सर, ये चलता है बहुत टेस्टी होगा सर। सर ये इंडिया में भी चलता है, लेकिन उस जगह पर जहाँ की ये डोमिनेटेड था ब्रिटिश, मतलब इंग्लिश या पोर्टुगीज से ज्यादा रहते थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, चलता है वो ब्रेड और ब्रॉथ खाते हैं। हाँ, उसको स्टू बोलते हैं, स्टू, सो दैट इज कॉल्ड स्टू। तो इसीलिए वो कर सकते हैं भाई, जिसको जैसा बनाना है बनाओ। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा उड़िया में कोसा कुसी करते हैं, बट बहुत जगह सिंपल भी बनाते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकाला लुईस पाश्चर, तो लुईस पाश्चर बहुत बड़े इंसान थे, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला दैट क्या, दैट लाइफ कब होगा, जब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगा।
So it was hence thought from the above experiments that life originated from the living matter. Okay, so from the living matter. So he proposed a statement in Latin. Okay, उन्होंने लैटिन में एक स्टेटमेंट प्रपोज किया. क्या प्रपोज किया बोलिए? He proposed a statement in Latin, omnes vivo. Okay, ex ovo or vivo. ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, omnes vivo, ex ovo or vivo, which means that all life came from pre-existing egg or pre-existing, okay, pre-existing life. Okay, so all life came from pre-existing egg or pre-existing life. So this statement is called what? Omnis vivo, ex ovo, or vivo. Okay, now this statement of Pasteur brought into occurrence the biogenetic origin of life and cancelled the ideas of a biogenesis by spontaneous generation. तो उसको वो आइडियाज को खारिज कर दिया. ओके, तो जैसे कल सर वो जो स्पेशल जो थ्योरी ऑफ स्पेशल इवोल्यूशन को भी तो सर खारिज कर दिया ना. सुनो, स्पेशल क्रिएशन को आप कुछ कर नहीं सकते. इफ यू देखो, अभी हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, अकॉर्डिंग टू आर भारत, हम लोग बहुत सिंपल लोग हैं. हम लोग कुछ बोलते नहीं है. अब कोई जगन्नाथ को गाली दे, उसको कुत्ता बोले, गधा बोले, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं. गौतम कृष्ण वहां सेक्युलर हो जाता है. बट अगर कोई उनके भगवान को कुछ बोल दे तो लड़ाई करने आ जाते हैं, समझ रहे हो? सो दे टेक द लिबरलिटी टू टेल एनीथिंग अबाउट आवर गॉड्स. But when one of us talk about their gods, why they are so angry? तो समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि धर्म एक ऐसा चीज है जिसके बारे में अगर करोगे पंगा तो हो जाओगे नंगा. तो इसीलिए उसको इस कान से घुसाओ और उस कान से निकालो. ना कुछ अच्छा बोलो, ना ही कुछ बुरा बोलो. बिकॉज देखो, साइंस उनको तो कभी मान नहीं सकता है कि नहीं. बट उसके बारे में मजाक या इधर उधर का प्रचार करने का भी जरूरत नहीं है. तो सिंस हिंदूज आर नॉट सो फेरोशियस, तो बहुत लोग कमेंट मार के छोड़ देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता. लिबरल हो जाते हैं, सेक्युलर हो जाते हैं. बट अदर्स तो उसको सीरियसली लेते हैं ना. तो जस्ट लाइक दैट. तो आप पीके फिल्म में देखे कि नहीं, कि जैसे वो दारू लेके पहुंच गया, वो गाना गा रहे हैं उसका जो मस्जिद के बाहर, कि क्या कोई तो कुछ पिला दे, ऐसा कुछ गाना नहीं हो रहा होता है. तो वो सोचा वो शायद भगवान जो है वो वाइन से खुश होते हैं, तो वो लेकर वाइन लेके मस्जिद चला गया, तो उसको काटने निकल गए. तो उस तरह से, तो सिंस आवर रिलीजन इज नॉट सो रिजिड तो चल जाता है. बट अगर उधर कुछ इधर उधर का बोल दोगे तो टपका देंगे. तो इससे अच्छा है कि डोंट टेक पंगा. ओके, तो इसलिए स्पेशल क्रिएशन थ्योरी को ना तो हम राइट प्रूव कर सकते हैं
और ना ही रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं। तो किस आधार में रॉन्ग बोल रहे हो भाई, आप तो उस जमाने में थे नहीं ना, तो हाउ डू यू नो ऐसा नहीं हुआ। अरे ब्रह्मा जी ने प्रोड्यूस किया होगा मनु को, हाउ कैन यू से नो। तो इसलिए डू हैव एनी एविडेंस, तो इसलिए नीदर वी कैन प्रूव इट राइट नॉर वी कैन प्रूव इट रॉन्ग, इसलिए डोंट टेक पंगा। आ हमारा कितना टाइम बच गया है? अरे वो कहाँ गया, कट गया क्या? 3 मिनट नहीं, क्या दिख नहीं रहा क्यों मेरे को स्क्रीन? ओके नाउ सो अब हमारा जो थ्योरी है, ये जो कंट्रोल पैनल बड़ा दुखी करता है ना, कभी दिख जाता है कभी नहीं दिखता है। सो अब ये जो था, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ व्हाट, बायोजेनेसिस। जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारा, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ क्या, बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो अगला जो थ्योरी है, जो थर्ड, इसको जो हम लोग फोर्थ थ्योरी बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ओके, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, सो दिस वॉज प्रपोज बाय हूम, दिस वॉज प्रपोज बाय अलेक्जेंडर इवानोव ओपारिन एंड जेजेस हेल्डेन, है कि नहीं? जेबीएस क्या? जेबीएस हेल्डेन, जेजेस, जेजेस हेल्डेन। तो एंड जेजेस तो ही प्रपोज्ड द, दे प्रपोज्ड एक्चुअली द ओपारिन, जिसको ओपारिन हेल्डेन थ्योरी बोला जाता है। नाउ ये जो थ्योरी है ओपारिन हेल्डेन थ्योरी, तो एक्चुअली इसमें क्या है, अलेक्जेंडर इवान जो ओपारिन है, तो जो ओपारिन है ही इज अ रशियन बेसिकली। तो रशियंस लोग जनरली अपना हर चीज रशियन में ही बात करते हैं, बट ये जो रशियन में आप बोलोगे तो उसको समझेगा कौन? तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली पीपल हैड नो आइडिया। ओके, तो इसीलिए जो ओपारिन हेल्डेन थ्योरी है, तो उसको समझने के लिए, उसको समझने के लिए आपका क्या हुआ, उसको समझने के लिए हेल्डेन, ही वाज अ बेसिकली आयरिश पर्सन। ओके, तो हेल्डेन जो है वो आयरिश थे एंड ही ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो that Haldane spent his Bhuvaneshwar last part of life in but Bhuvaneshwar. So primordial soup or prebiotic soup, also sometimes referred to as prebiotic broth, is the hypothetical set of conditions present on the earth around Itna Baya. It is a fundamental aspect to the heterotrophic theory.